सर्दी के जिस मौसम में करगिल बर्फ और कोहरे की चादर से ढका रहना चाहिए, उस मौसम में यहाँ की फिजाओं में धूप खिली है और हर जगह हरियाली दिख रही है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में डर है। तो मैं समझता हूँ ये एक कहर है, ये रहमत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते धूप रहा, जनवरी का महीना है, ठंड नहीं है, बर्फ नहीं जमा है। बेशक ये नफसी एक इंसान के लिए बेहतर है कि उसको लकड़ी बच गया। खिली धूप और हरियाली का लोग वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हरदास गांव के किसी शख्स ने फूलों की कलियों की वीडियो पोस्ट की है, तो शेल कचाय गांव से लोगों ने हरियाली और सब्जियों के खेतों के वीडियो जारी किए हैं। वहीं सैंको क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने मैदानों में उगी नई घास दिखाई है। अच्छा अचुचू यानी ठंड और हू करने वाले उन अदाओं से हम मतलब पाक साफ तो रहे, लेकिन आप बताइए जनवरी के अंदर हरियाली, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कहीं पे फूल खिला है, कहीं पे हरियाली है। शिल्क सुमेक का हवाला है, डेठम का हवाला है, बल्टी बाजार का है, आगे पीछे कई सारे जगहों का। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये रहमत है, रहमत है। अगर हम शुरू नदी की बात करें तो पिछले साल शुरू नदी पूरी तरह से कोहरे और बर्फ से ढकी रहती थी और लोग आराम से नदी पार कर लेते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि गर्मियों में नदी उफान पर है। करगिल में जोजिला दर्रा खुला है और दुकानदारों ने सड़क के किनारे हर जगह अपनी दुकानें सजा रखी हैं। ऐसा लगता है कि वे बसंत ऋतु का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये जश्न नहीं आने वाले संकट की आहट है, जिसे अभी संभलने की जरूरत है। नूर उल इस्लाम, करगिल न्यूज़ 18।